खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। हैप्पी होली। एक दिन महिलाओं का सम्मान 8 मार्च के दिन, उस दिन किसी भी संस्था के द्वारा अवार्ड हासिल करना या कुछ भी, उसके लिए बहुत सारी सारी महिलाएं हैं जिनको प्रेरणा मिलेगी ऐसे कार्यक्रमों से, या मिलती भी है, और वो साल भर अच्छे कार्य अपने अपने फील्ड में करने की चेष्टा करती हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के अवार्ड फंक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी जी। और एक तरीके से महिलाओं को और उनके कामों को सम्मान दे करके हम यहाँ से अपना संदेश पूरी दुनिया को, सारे पुरुषों को, सारी महिलाओं को कम से कम पहुँचा सकते हैं कि आपको महिलाओं का सम्मान हर रूप में, हर वक्त, हर पल करना है। बचपन से मैंने देखा है, मेरे पिताजी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनका बेटा नहीं है, 4 बेटी। मेरी मम्मी एक स्कूल टीचर थी, 4 बच्चे को पालना, स्कूल जाना, घर का काम करना, लेकिन तो भी खुश रहती थी। और हमें सिखाया कि ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा पिताजी खुश रहे और ये सोचे, कभी उनके मन में ये गम ना हो कि बेटा नहीं हो। बड़े होने के बाद मैंने देखा इतना आसान नहीं है, लेडीज़ को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत अनरिटन रूल्स है, ये नहीं करना, ये करना, ये करना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, लेडीज़ के मन में जो शक्ति है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। वो घर चला सकती है, सब कुछ कर सकती है, और अगर ठान ले कि मुझे ये करना है तो करती है। वो गाना है ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। शुभकामनाएं सभी लोगों को, और जैसा कि इस बार हम एहतियात के तौर पर कोरोना वायरस का एहतियात ले हुए रंगों में अवॉइड करें और भीड़ को इकट्ठा करना, और मुझे लगता है कि इसको इस बार आज की संध्या पर ये कार्यक्रम रखा, आज यहाँ पे काफ़ी सारी विमेन अचीवर्स हैं, उन लोगों को अवार्ड भी हम दे रहे हैं। मुझे लगता है वो अवार्ड भी तभी सार्थक होगा कि हम होली के रंगों में देखें कि जैसे विभिन्न विभिन्न रंग है, वैसे ही औरत के विभिन्न विभिन्न आयाम हैं जिनको हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी भावपूर्णता के साथ में सभी को होली की शुभकामनाएं हैं कि 365 डेज सम्मान देना चाहिए, ये तो रोज बोलता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महिला को 365 डेज लड़ना पड़ता है, ठीक है। एक दिन तो मिलता है महिलाओं को जहाँ पे उनका दिवस माना जाता है, ठीक है। हम लोग लेबर डे 1 मई को मानते हैं, महाराष्ट्र दिवस 1 दिन को मानते हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1 दिन को मानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे पूरे सारे साल भर हम अच्छे नागरिक नहीं बनने की कोशिश करते हैं।
तो एक दिवस वो होता है जिसको हम एक चुनते हैं कि इस चीज को सामने लाने के लिए। अगर आप कहते हैं कि महिला को 365 दिन सम्मान देना चाहिए तो वो नहीं मिलता है, ये तो हम भी जानते हैं। जिस तरह से मैम ने आप सभी को मैसेज दिया है वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे कि महिला का जो समर्पण और त्याग और जो लोगों के लिए जो जिंदगी होती है अपने घर परिवार के लिए जो होता है, शायद मैम ने बताया इनडायरेक्टली कि इनका खुद का सपना जो होता है उसको दबा के अपने बच्चों अपने घर परिवार के लिए ज़्यादा समर्पण की भावना होती है। और हमें ऐसा लगता है कि मैम ने काफ़ी कुछ बोल दिया है और आप सभी को वुमेन्स इंटरनेशनल डे के दिन सभी महिलाओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत। सबसे पहले मैं आज महिला दिवस पे वर्ल्ड वुमेन डेज पे मैं सबको, सभी महिलाओं को, सभी माताओं बहनों को, सभी महिलाओं को, बच्चियों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि कविता क्लब की तरफ से ये आयोजन किया गया है, सम्मान दिवस मना रहे हैं और सबको सम्मान दे रहे हैं। तो मेरी बच्ची, मेरी बेटी स्नेहा शंकर, इसको भी यहाँ पर बुलाया है, बहुत खुशी की बात है, बहुत धन्यवाद। और मैं भी यहाँ पर आया हूँ आप सबसे मिलने, आप सबका आशीर्वाद लेने। तो स्नेहा कुछ बोलिए, स्नेहा आप कुछ कहना चाहोगी इस अवसर पर? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ आई हूँ। और थैंक यू कहना चाहूँगी मैं कविता क्लब के सारे मेंबर्स को, स्पेशली केशव राय अंकल जी को, जिन्होंने आज मुझे भी सम्मान आज मिलेगा। सो दैट इज़ अ रियली वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। क्योंकि महिलाएँ जो है वही शक्ति है, हर चीज़ के पीछे आदि शक्ति भी है महिला। और इस युग में भी जो शक्ति है, शक्ति रूप है, वो महिला है। तो महिलाओं को सम्मान तो हमेशा मिलना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। और मैंने बड़ा सुंदर एक इस महिला दिवस के लिए एक बहुत सुंदर गीत श्रीमती अमृता फडणवीस जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया है और वो भी बहुत जल्द आ जाएगा आपके समक्ष। तो मैं चाहूँगा दो बोल उसके मैं सुनाऊँ आपको। चलिए, एक दिन सारी महिलाओं के लिए मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है, जस्ट 24 आवर इज नॉट इनफ। तो आई थिंक हमें 365 डेज पूरा साल उनके लिए मनाना चाहिए, बिकॉज वो ऐसे नहीं करती कि वो एक ही दिन हमारा यू नो ध्यान रखे या कुछ करे। वो 365 डेज हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमारी मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी रोल में हो, बेटी, वाइफ, एनीथिंग, बट महिलाओं को 365 डेज सम्मान मिलना चाहिए। जागो 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 देशवासियों, है ये संदेशा हम सबका, घर घर पहुंचाओ, है ये संदेशा हम सबका, घर घर पहुंचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मुबारकबाद देना चाहूँगी, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। और औरत तो आपको मालूम है आजकल अभियों से भी ऊपर जा रही है, हर फील्ड, कोई भी फील्ड हो, चाहे उनका कहीं का विषय है, उनका कोई भी इंजीनियरिंग है, किसी भी तरह से जो भी वो काम कर रही है, वो सबसे मतलब अभियों से भी आगे जा रही है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि औरतें ही सबसे ज़्यादा आगे आएंगी। ओके, थैंक यू, तो मैं महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको और तमाम देश की सारी महिलाओं को प्रणाम करता हूं। और मुझे लगता है कि नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिसके पास नारी शक्ति है, जिस काम में नारी शक्ति है, वहां पर सारी शक्ति है। जहां नारी शक्ति वहां सारी शक्ति। तो ऐसे शुभ अवसर पर यह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है और बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े हास्य कलाकार, बड़े बड़े फिल्म स्टार यहाँ आ रहे हैं। तो होली के शुभ अवसर पर एक परिवार की तरह जो ये होली समारोह किया जा रहा है, मैं इसे, इसको जो फैमिली के साथ होली मनाई जा रही है, इस समारोह को कहता हूँ होली फैमिली समारोह। कुछ देना चाहूँगी केशव राय जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और आज वुमेन्स डे है, मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब आज हम वुमेन्स को नवाजा जाएगा। और मेरे साथ साथ बहुत बड़ी डिग्निटरीज हैं जिनके साथ हम प्लेटफॉर्म ही शेयर करने वाले हैं। तो इट्स द आई शुड से इट्स वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड के मतलब हम यहाँ गैदर हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म शेयर करने वाले हैं। पोला,
जो हम जो त्यौहार है वो करते हैं तो एक ही दिन करते हैं पूरे साल में, बाकी तो दिन उसको तकलीफ ही देते हैं, अत्याचार होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि खाली एक दिन 8 मार्च को सम्मान करके कोई फायदा है नहीं, हर दिन उसका उत्सव होना चाहिए, स्त्री शक्ति का उसको सम्मान देना चाहिए। और आजकल तो जितने अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो भी बलात्कार हो रहे हैं, उसका तो मैं कितने शब्द में निषेध करूं मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से एक बार ऐसा कुछ क्रांति होने की ज़रूरत है कि हमारी महिलाएं जो अत्याचार हो रहा है वो रुक जाए, क्योंकि फिर से पीछे जा रहे हम, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये अत्याचार रुकने चाहिए, बहुत दर्द होता है, हिंगनघाट हो या तो लासलगांव हो, नांदेड़ हो, पनवेल हो, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं एक दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन, यह एक ट्रस्ट चलाता हूँ जिसके माध्यम से मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग ने जो भी कमाया है समाज से, वहाँ उसका बहुत नहीं तो आधा हिस्सा ज़रूर हमने दूसरों को देना चाहिए, ताकि लोगों तक हमारे फ्रूट्स पहुँचे। और इस तरह अगर हम सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते जाएंगे तो निसंदेह हमारा समाज बहुत जल्द ऊपर आ जाएगा। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी बड़े लोग, पैसे वाले लोग या वेल्दी लोग जीवन भर कमाते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, एट द फेग एंड ईयर ऑफ देयर लाइफ वो सिर्फ 20% भी अपने अर्निंग का उपयोग नहीं कर पाते। हम लोग चले जाते हैं 80-90% हमारी अर्निंग इसी तरह छोड़कर। तो मेरी ऐसी आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपने जीवन काल में ही अपने द्वारा कमाए गए कुछ हिस्से को समाज को वापस दे, और ये प्रक्रिया अगर हम सभी लोग करेंगे तो निसंदेह समाज के आखिरी व्यक्ति तक हमारी इनकम की, हमारी कुशलता की, हमारी जानकारी की, हमारी शिक्षा की उनको बेनिफिट होगा।